जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, ASI LDC एग्जाम सक्सेस में सभी को मोस्ट वेलकम। ऑफिशियली बताया गया था कि 25 मई से हमारा चैनल चालू होगा, पहले ही ये चैनल मैं चालू कर दिया था, तब भी आज जो है ऑफिशियली एक प्रकार का मैं इसमें चालू किया हूँ। और इसमें आज का जो सब्जेक्ट है वो CISF का एक्ट 10 रूल के बारे में होगा। जो CISF का एक्ट 10 रूल मतलब एक तरफ से सभी ने पढ़ाता है, जितना भी यूट्यूब में चैनल है उसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम करके सभी पढ़ाता है, मगर ये हम पढ़ाएंगे कुछ हटके। और मेरे ख्याल से यूट्यूब का इतिहास में जितना भी चैनल पढ़ाया है उससे कुछ हटके पढ़ाएंगे। तो ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे ये हम ब्लैंक पेज ले लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या है, हम लोगों को आज है हमारा CISF एक्ट, ठीक है। तो आप लोगों को सभी को पता है कि CISF का जो एक्ट है वो CISF एक्ट 1968 कहा जाता है। क्यों कहा जाता है 1968? जैसे 1968 जो एक्ट जो चालू हुआ था, क्यों चालू हुआ था, कैसे CISF का मतलब कैसे एक CISF जो संगठन है कैसे बना, सबसे पहले हम उसका कुछ हिस्ट्री जानते हैं कि CISF के कैसे गठन हुआ। तो इसका मतलब 1968 का पहले कुछ अलग संगठन था, क्योंकि हमारा देश में जब देश स्वाधीन होने के बाद या ब्रिटिश अमल से कुछ ना कुछ तो इंडस्ट्री हमारा इंडिया में रहा होगा। एक तरफ से हम पकड़ लेते हैं कि देश स्वाधीन होने के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद क्या है कि जो इंडस्ट्री था, अर्थात हम बोल सकते हैं कि CISF के गठन होने से पहले जो बड़े बड़े केंद्रीय एवं जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान थे उसमें क्या था, जो उसका जो सुरक्षा का जिम्मेदारी जो था, मतलब सुरक्षा जो दिया जाता था, तो उसमें क्या ये क्या कौन देते थे, किसी निजी सुरक्षा एजेंसी या कोई कोई जगह में ऐसा भी है कोई राज्य का जो स्टेट पुलिस है वो करते थे। मगर एक साल आपको याद रखना है, वो है 1964 में रांची में, अर्थात 1964 मतलब समझ सकते हैं कि रांची उस टाइम झारखंड में नहीं था, मतलब झारखंड उस टाइम बना ही नहीं था, तो रांची कहाँ पे थे, बिहार में। रांची में एक प्लांट था, प्लांट मतलब एक इंडस्ट्री था, जिस इंडस्ट्री का नाम है भारत हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। ये 1964 में क्या हुआ, ये भारत हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में मतलब दंगे में क्या हुआ, इसका फलस्वरूप भीषण अग्निकांड हुए और इस घटना में इतना नुकसान हुए कि इस घटना को जांच करने के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। उस आयोग ने क्या किया, इसका जांच किया। इस जांच कमीशन में एक आदमी का नाम आप याद रखिए, जिसका नाम है बी मुखर्जी। इन्होंने इस कमीशन का जो हेड बोलते हैं ना, अध्यक्ष थे। आपको कभी कभी पूछते हैं कि बी मुखर्जी कौन थे, या बी मुखर्जी का जो CISF एक्ट बनने के पीछे बी मुखर्जी ने क्या योगदान है, मतलब ये सब का शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का आता है। तो ये बी मुखर्जी ने ये क्या किया, जब इसका मतलब इसका जो उन्होंने कमीशन का जो जांच किया, जांच करके उसको पाया कि ये तोड़फोड़ का कारण से हुआ, और उन्होंने बताया कि सिर्फ इंडस्ट्री अर्थात जो
कारखानाओं के लिए, औद्योगिक के लिए एक ऐसा फोर्स होना चाहिए जो सिर्फ इस औद्योगिक को ही सुरक्षा देगा। तभी सरकार का नज़र में आया और सरकार ने 2 दिसंबर, इस डेट को आप याद रखिएगा, 2 दिसंबर 1968 हमारा आग लगा था 1964 में, अर्थात 4 साल के बाद हमारा क्या किया, 2 दिसंबर 1968 में CISF का गठन हुआ एवं संसद द्वारा CISF बल का जो अधिनियम, वो अधिनियम पारित हो गया। इसीलिए इस अधिनियम का नाम हमारा आ गया केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम 1968। अभी आप लोगों को पता लग गया होगा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम क्यों 1968 रखा गया था, तो ये आपको समझाया, इस चीज़ को आप बार बार सुनिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अभी ये घटना हो जाने के बाद, ये घटना हो जाने के बाद ही CISF का मतलब गठन नहीं हो गया, ये चीज़ जैसे ही CISF का, ये जैसे हमारा संसद से पास हो गया कि CISF जैसा कोई बल को बनाना चाहिए, तब क्या हुआ, तब सरकार ने इसको लागू किया, मतलब इसका जो एक बल गठन किया और बल गठन करने के बाद इसको लागू किया, ये कुछ डेट है, इसको याद रखिएगा, 10-3-69 CISF का बिल पास हुआ, अधिनियम पास हुआ 2 दिसंबर 1968, और CISF अधिनियम लागू हुआ CISF में 10 मार्च 1969, और इसी दिन से अर्थात अधिनियम को प्रभावशाली कर दिया गया। अभी जो ये जो CISF का जो गठन हुआ, ये कैसे गठन हुआ, कुछ तो ऐसा तो नहीं कि एक दिन में कोई कानून बन गया और हो गया, इसका पीछे भी कुछ घटना है। इसमें जो अधिनियम है, ये इसका जो अधिनियम बना था, टोटल 22 अधिनियम बना था, इस 22 अधिनियम का बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा का जो अधिनियम है, टोटल 22 अधिनियम है, तो सबसे पहले क्या आता है, संक्षिप्त नाम और विस्तार एवं प्रारंभ। हम आपको अभी एक छोटा सा कहानी सुनाएंगे, इस कहानी को ये कहानी के तौर पे आप याद रखिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको ये जो सीरियल नंबर है 1 से लेकर 22 तक का जो सीरियल नंबर को याद रखने के लिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं कि जैसे बल का गठन, जैसे ये तीनों में 3 नंबर हमें है बल का गठन, तो आपको पूछ लेगा कितना नंबर अधिनियम में बल का गठन का बारे में बताया गया है, तो आपको याद रखना है 3, तो कैसे रखोगे, इसके लिए हम एक छोटा सा कहानी बनाए हैं, इस कहानी को आप ध्यान से सुनिए। जैसे हेवी कॉरपोरेशन, मतलब इंडिया में, जैसे आपको रांची में बताया गया कि रांची में आपका भारत हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में आग लग गया, आग लगने के बाद क्या हुआ, सरकार को ज़रूरत हुआ कि एक ऐसा बल को गठन करना चाहिए जो इंडस्ट्री को सेव करे, तो इसका मतलब जो ऐसा एक बल बनाना चाहिए, मतलब आप बात को सुनिए, ऐसा कैसा बल बनाना चाहिए, उसका बारे में तो कुछ तो होना चाहिए, तो वो कहाँ पे काम करेगा, वो उसको कहाँ कहाँ उसका ड्यूटी कहाँ पे ड्यूटी करेगा, उसका बारे में थोड़ा बहुत जो उसका बारे में जो विस्तार, एक संक्षिप्त उसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, ये सब का बारे में सबसे पहले सोचा गया। तो आपको याद रखना है, एक नंबर में क्या हो गया, एक नंबर में आपका हो गया शॉर्ट टाइटल हो गया, जिसको बोलता है शॉर्ट टाइटल, अर्थात संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ, अर्थात पहले प्रारंभ, इस वर्ड को आप ध्यान रखिए, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। अभी क्या हो गया, CISF का बारे में सोचा गया कि हाँ CISF ऐसा एक बनना चाहिए, होना चाहिए, इसका बारे में संक्षिप्त हुआ। अभी ये तो हुआ, तो CISF होगा क्या, जैसे हमने जानते हैं ये काम आपका ख़त्म कर हो गया, अभी CISF क्या होता है, उसका बारे में तो कुछ होना चाहिए कि CISF क्या चीज़ है, क्या करता है वो, क्या कर मतलब क्या होगा, तो उसका बारे में बताया गया। उसमें क्या बताया, तो आपका
आपका एक दो नंबर में आ गया परिभाषा। सबसे पहले क्या हो गया, एक नंबर में हो गया आपका संक्षिप्त नाम और उसका विस्तार एवं प्रारंभ, ये समझ में रखिए। उसके बाद दो नंबर में हो गया परिभाषाएं, मतलब इसका डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन CISF, व्हाट इज CISF, क्या है, क्या करेगा वो CISF, मतलब इस टाइप का। ये दो नंबर में आप हो गया परिभाषा। अभी आप तीन नंबर में आ गया, आ जाइए। अभी आपका क्या हुआ, आपका संक्षिप्त नाम पड़ गया, परिभाषा मिल गया। अभी तो आपका एक फोर्स है, फोर्स तो फोर्स मतलब जैसे आपने एक जब कोई संगठन बनाया है सिर्फ सिक्योरिटी करने के लिए, तो आप एक फोर्स है, मतलब बल का जैसे गठन तो आपको एक मतलब एक आदमी से तो हो नहीं सकता कि एक आदमी करेगा। CISF का आपका नाम पड़ गया, उसका परिभाषा भी मिल गया, अभी आपको संगठन भी एक बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा आदमी आएगा, उसमें बहुत सारा रैंक स्ट्रक्चर होगा। तो उसमें क्या हो गया, तीन नंबर में पड़ेगा बल का संगठन, ठीक है, ये तीन नंबर में पड़ेगा बल का संगठन। अभी संगठन बन गया, आपको क्या बोले कि इसमें बहुत सारा आदमी आएगा, इसमें क्या होगा, कुछ आदमी नीचे होगा, कुछ आदमी ऊपर में होगा, क्योंकि कुछ आदमी को क्या करना है, ऑफिशियल वर्क करना है, नीचे वाले जो है उससे क्या करना है, काम कराना है। तो इसलिए क्या, जो नीचे से नीचे वाले को काम कराने के लिए क्या करना है, मतलब एक सुपरवाइजरी ऑफिसर होना चाहिए, इसको हिंदी में बोलता है परिवेक्षण अधिकारी। तो चार नंबर में क्या हो गया, जो चार नंबर रूल है, मतलब चार नंबर जो आपका एक्ट है, एक्ट है, उसमें क्या बोल दिया कि जो परिवेक्ष अधिकारी अर्थात सुपरवाइजरी ऑफिसर, कैसे उसको अपॉइंटमेंट किया जाएगा उसका बारे में बताया। अभी आपका क्या हो गया, सुपरवाइजरी ऑफिसर का नियुक्ति हो गया। अभी सुपरवाइजरी जैसे आपको बताया था कि नीचे का ऊपर का, तो ये ऊपर का हो गया, अभी नीचे का भी तो अपॉइंट करना पड़ेगा, तो उसका बारे में भी एक अधिनियम बनाना है। तो उसका जो अधिनियम बनाने का जो कानून बताया, तो वो पाँच नंबर में बताएगा। तो आपको अभी हम पाँच बताए, क्या क्या बताए, सबसे पहले बताए कि एक नंबर में कि संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। दो नंबर में बताया कि दो नंबर एक्ट में क्या है कि परिभाषा के बारे में बताया गया। तीन नंबर में क्या हुआ, जब परिभाषा बन गया तो बल का गठन, मतलब सभी को लेके एक संगठन जो बल का गठन किया, अभी बल का गठन कर दिया, उसमें कुछ ऊपर का आदमी होना चाहिए, कुछ नीचे का आदमी होना चाहिए। ऊपर का आदमी का नियुक्ति जो होगा उसका बारे में चार नंबर में एक्ट में बताया, नीचे का आदमी का बारे में पाँच नंबर बताया। अभी आपका क्या हुआ, ये पांचों कंप्लीट हो गया। अभी क्या हो गया, देखिए ये जब कंप्लीट हो गया, अभी आपको जैसे नियुक्ति कर दिया, तो आप जो एक बल का सदस्य है उसके लिए कुछ प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, मतलब जैसे आईडी प्रूफ हो गया, कुछ भी तो दस्तावेज होना चाहिए। तो उसका बारे में जो एक्ट बनाया गया, तो वो छः नंबर में बनाया गया। आप सिर्फ कहानी को सुनते जाइए और इस कहानी को बार बार सुनिए, आपका ये ऐसा लगेगा कहानी का जैसा आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। आपका ध्यान को अट्रैक्शन करना मेरा काम है और याद कराना मेरा जिम्मेदारी है, आप सिर्फ सुनते जाइए, इसको स्किप मत कीजिए। अभी आपका आईडी कार्ड भी मिल गया। आईडी कार्ड मिलने के बाद आपको क्या करना है, आपको तो बल का, तो आपने सदस्य बन गया। अभी बल सदस्य बनने के लिए क्या, सदस्य बनने के बाद आप कुछ गलत हरकत करोगे, कुछ गलत काम कर दिया, या ड्यूटी में आज कुछ गलत सलत कर दिए, तो उसमें क्या हुआ, चीज़ें कुछ गलत कर दोगे तो उसमें क्या करेगा आपको, मतलब उस टाइम आपको क्या करना है, जैसे गलत कुछ हरकत कर दिया तो उसको क्या करना है, तो आपको ये गलत हरकत के लिए एक ऑफिस होना चाहिए कि आपको जैसे कुछ जांच होगा, या आप ये समझ लीजिए जो आपको जो बड़ा अधिकारी का जो नियुक्ति किया था उसको बैठने के लिए एक ऑफिस होना चाहिए, ताकि आप कुछ गलत कर दिया तो उस गलत का ऊपर आपको जाँच कर पाए। तो आपको सात नंबर में याद रखना है कि बल का प्रशासन और अधिक संघ, जिसको इंग्लिश में बोलता है कि आपको जो सुपरिंटेंडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फ्लोर्स, मतलब आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में काम करते हो, उसके लिए तो कुछ ऑफिस होना चाहिए, कुछ प्रशासन होना चाहिए, कैसे काम करेगा क्या नहीं करेगा, तो इसी का बारे में आपको सात नंबर में बताया। आपका ऑफिस भी हो गया। अभी आपको क्या करना है, जैसे आपने कुछ आपको जैसे बताया था कि आपने गलत काम कर दिए, और गलत काम करने का बाद जैसे आपने गलत काम कर दिए, गलत काम करने के बाद आपको आपको ऊपर जो कार्रवाई करेगा, जैसे आपको क्या कर देगा, आपको डिसमिस करेगा, रिमूवल करेगा, क्योंकि आप मेंबर ऑफ द फोर्स हो गया, अभी ऑफिस भी बन गया। तो आठ नंबर में जो बोले हैं वो बोले हैं बल का सदस्य का बर्खास्ती, पदच्युति और सेवा के पृथक किया जाने से संबंध में, तो आपको हो गया। आपको छः नंबर में आपको जैसे प्रमाण पत्र मिल गया बल का, तो उसके बाद क्या हुआ, सात नंबर में आपका ऑफिस भी बन गया। ऑफिस बनने के बाद आप कुछ गलत हरकत किया, तो आठ नंबर में आपका क्या कर दिया,
कि आपको जो बर्खास्त करेगा उस बर्खास्त के बारे में आपको बता मतलब बताया। अभी क्या किया देखिए, ऐसा तो है नहीं कि सरकार का ही सब कुछ चलेगा। आप भी एक मतलब एक फ्रीडम इंडिया में बास कर मतलब फ्रीडम इंडिया में आप रहते हैं, आप रेसिडेंस जो इंडियन है तो आप फ्रीडम है, तो आपका भी तो कुछ हक होना चाहिए, सरकार इसका बारे में भी सोचे। तो आपको जब बल सदस्य जो है जी, आप समझ लीजिए, आपको जब बर्खास्त कर देगा या रिमूवल कर देगा, कुछ भी कर देगा, तो आपका भी पास कुछ हक है। मतलब आपको क्या करना है, अपील एवं निरीक्षण के लिए, जैसे अपील और रिविजन बोलते हैं ना, तो रिविजन करने के लिए आपको पास भी कुछ पावर दिए है, इसका बारे में बताया 9 में। तो आप देखिए कंटिन्यू आपका चल रहा है। सबसे पहले आपको एक नंबर में बल का बारे में थोड़ा बहुत बताया, उसके बाद परिभाषा हो गया 2 नंबर में, 3 नंबर में बल गठन हो गया, 4 में क्या हो गया परिवेक्ष अधिकारी, जो आपका सुपरवाइजरी अधिकारी जिसे एसी से लेकर ऊपर डीजी तक जो है उसको कैसे नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद हो गया जो बल का सदस्य का जो एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स, जो कांस्टेबल से मतलब फॉलोअर से लेकर कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक, उसका नियुक्ति के बारे में बताया। उसके बाद आपको क्या किया, जो बल का मेंबर है 6 नंबर में आपको आईडी कार्ड स्तर आपको प्रूफ दे दिया कि आप बल का सदस्य है। 7 नंबर में आपको क्या कर दिया, आपको जो इतना सब हो जाने के बाद एक ऑफिस बन गया, जो बड़ा बड़ा अधिकारी को जो ऐसे आपको अपॉइंट किया है उसको बैठने के लिए। 8 नंबर में क्या है, जैसे आप कुछ गलत काम कर दिए, ऑफिस भी बन गया था, तो आपको क्या किया उसमें, आप गलत काम करने से आपका रिमूवल डिसमिसल के बारे में आपको बताया। अभी इतना कुछ हो गया, जब रिमूवल डिसमिसल जब आपका हो गया तो आपका पास भी कुछ हक होता है, तो उस हक के लिए 9 नंबर में आपका एक्ट बनाया, उसमें क्या हुआ जैसे अपील और रिविजन आप करते हैं उसका बारे में बताया। अभी ये हो गया आपका 9 एक्ट, टोटल है 22 एक्ट। तो आज क्या है, आपको 9 एक्ट का बारे में बताया, उस 9 एक्ट को बार बार सुनिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे बाकी का एक्ट को, कि ताकि आपको इसको समझने में अच्छा लगे। और आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, मेरा जो समझाया आपको, समझाने का तरीका कैसा लगा, आप इसको बताइए, ताकि मैं इस वीडियो को आगे और अच्छा से आपको कंटिन्यू मतलब अच्छा से आपके पास प्रेस कर पाऊँ मैं। ठीक है, आज इतना तक ही, ठीक है, गुड बाय।